ओम शांति। हम एक सुंदर समय पर खड़े हैं जिसे पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। हमें इस समय अपनी स्थिति को बहुत महान बना लेना है। कितना महान? कि हम संसार को बहुत कुछ दे सकें, हम संसार की आत्माओं को सहारा दे सकें, हम उनके रक्षक बन सकें, उनके इष्ट देव देवी बनकर उनकी जन्म जन्म की कामनाओं को पूर्ण कर सकें। इसके लिए हमें अपनी स्थिति एक बल एक भरोसे पर ले जानी है। केवल बाबा, उसके ही सहारे जीना, उससे शक्तियां प्राप्त करके अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस बढ़ा देना कि हमारी स्थिति निराधार हो जाए, समस्याएं आए, बीमारी आ जाए, कोई विशेष बात हो जाए, केवल उसकी तरफ ध्यान जाए। जिसके लिए बाबा कहते हैं कि अंत में एक बाप के सिवाय कुछ भी याद ना आए। देखिए, तुलसीदास ने भी रामचरितमानस की रचना करते हुए कह दिया, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत नाम सिमरन नहीं पाई। जन्म जन्म त्याग तपस्या की, लेकिन अंत में प्रभु का नाम स्मृति में नहीं आया। हम सभी को बाबा ये ट्रेनिंग देते हैं, अंत में केवल एक की ही याद रहे तो हम सहज ही संसार से अपने घर मुक्ति धाम जा सकेंगे। अगर हमें औरों की याद होगी, अगर हमें इच्छाएं कुछ होंगी, पदार्थ अपनी ओर आकर्षित करेंगे, देहधारी अपने मोह ममत्व के जंजाल में हमें फंसाए होंगे, तो अंत में देह छोड़ना बड़ा कष्टकारी हो जाएगा और वो थोड़े समय का कष्ट भी आत्मा को बहुत कमजोर कर देगा। भले ही वो कष्ट पाने के बाद आत्माएं मुक्ति धाम में तो जाएंगी, लेकिन सुख बहुत कम हो जाएगा। हम सभी अपने को ऐसा महान बनाएं कि जैसे हमें किसी का भी सहारा नहीं चाहिए, हम स्वयं में भी समर्थ हो जाएं, अपने योग बल के आधार से, अपनी त्याग तपस्या के आधार से, अपनी धारणाओं के आधार से, और हम दूसरों को भी इस तरह सच्चा सहारा देते चले। तो चलिए, आज से हम सभी बेफिक्र बादशाह बन जाएं। इस संसार में, इस कांटों के जंगल में शेर की तरह अकेले ही विचरण करें। इसका अर्थ ये नहीं कि हम घर बार छोड़ के चल दें, आप बच्चों का ध्यान न दें, लेकिन बहुत समर्थ, किसी भी समस्या से घबराने वाले नहीं, निर्भय बेफिक्र बादशाह। स्वयं भगवान हमें साथ दे रहा है, हजार भुजाओं सहित वो हमारे साथ है, उसकी छत्र छाया हमारे सिर पर है। ये सब होते हुए हम निर्भय, हम निश्चिंत, साथ में मेरे को तेरे में बदलते चले। होता क्या है, कोई बात आने पर हम देहधारियों की ओर देखते हैं, पहला ही संकल्प फलाना फलानी उसकी ओर जाता है, तो ईश्वरीय साथ छूट जाता है, उसकी मदद से हम वंचित हो जाते हैं। और यदि हमारा पहला ही संकल्प ऊपर की ओर जाए, बाबा सर्वशक्तिमान, हम उसका आह्वान कर ले, आ जाओ। ये प्रैक्टिस हमें लंबे काल की चाहिए, तब अंत में हमें उसकी याद आएगी। अभी से हम बहुत अच्छी प्रैक्टिस करें, भिन्न भिन्न बातों में उसकी याद आए, उसको बुला लें। आप बाइक से भी जा रहे हैं, कहीं कुछ हो जाता है, फोन करें, उसको करें, उसको करें, इसकी स्मृति के अलावा आ जाओ बाबा। पहले बाबा का आह्वान करें, फिर किसी से कॉन्टेक्ट करें। ऐसी आदत निरंतर अपने अंदर भरते चलना है। तो आज सारा दिन हम स्वयं को इस नशे में रखेंगे, मैं बेफिक्र बादशाह हूँ, बाबा हजार भुजाओं सहित मेरे साथ है। बाबा का आह्वान करेंगे हर घंटे में एक बार, और महसूस करेंगे कि वो हजार भुजाओं की छत्र छाया मेरे सिर पर लगाए हुए है।
ये सीन बहुत सुंदर होगा, इसको अपने अंतर चित्त में सदा सदा के लिए समा दें और देखें कितना सुंदर अनुभव होता है उसकी मदद का। और आदत पड़ जाएगी तो जब भी कोई बात आएगी तुरंत ये विजन हम बना पाएंगे और बाबा की मदद के पात्र बन जाएंगे। ओम शांति।